हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस का पार्ट टू है। इसका पार्ट वन आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें किस तरीके से ऑप्शंस को हमें चूज़ करना है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम असर्शन रीज़न क्वेश्चंस के पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन में असर्शन में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो जो यहाँ पे इनर लाइनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विली कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम रीज़न का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि द विली इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब विली करता क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज़ कर देता है, एरिया को बढ़ा, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम दोनों स्टेटमेंट देखें तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और जो रीज़न है वो भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो यहाँ पे जब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हों और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो एसर्शन का, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा आंसर। तो ए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। ये आपको ऑप्शंस में दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो उन ऑप्शंस में से ही देख के आपको ए बी सी डी लिखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो इसमें असर्शन का स्टेटमेंट है कि द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। यहाँ पे असर्शन में ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि यूरिन बनाने का जो पर्पस है वो इसलिए है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को इंटेस्टाइन से बाहर निकाल दें। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए नहीं होता है इंटेस्टाइन से। अब रीज़न का स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि असर्शन इनकरेक्ट है। रीजन का स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे दिया है कि किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। किडनी क्या करता है कि वेस्ट को फिल्टर करता है और यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो रीज़न का स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। असर्शन का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रीज़न का स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब ऐसा आपको देखने को मिले पेपर में, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन था हमारा वो सही हो जाएगा। असर्शन स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट इन रीज़न इज़ करेक्ट। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, असर्शन में स्टेटमेंट दिया है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है पोर या स्टोमेटल पोर का, वो गार्ड सेल का एक फंक्शन है। और इसमें रीज़न दिया है कि स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाई डिफ्यूजन। स्टोमेटल पोर्स ही वो जगह होते हैं जो कि जहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से। तो यहाँ पे अगर बात करें दोनों स्टेटमेंट्स की, जो असर्शन में है और जो रीज़न में है, दोनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है और रीज़न में कुछ अलग ही स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीज़न डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन स्टेटमेंट। तो इस तरीके का जब आपको देखने मिलेगा कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं असर्शन रीज़न में करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न जो है उसका स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ असर्शन में स्टेटमेंट दिया है कि ट्रांसपीरेशन इज़ अ नेसेसरी एविल। ट्रांसपीरेशन एक नेसेसरी एविल है और रीज़न ये बोला जा रहा है कि इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये इससे क्या होता है कि नेसेसरी एविल तो है ये बोला है असर्शन में, और रीज़न ये है कि ये क्या करता है कि वाटर को लॉस करता है और इसके साथ साथ ही एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, अपवर्ड मूवमेंट में वाटर और मिनरल्स का, जो बड़े बड़े ट्रीज में अपवर्ड मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट सही होने के साथ साथ जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही तरीके से असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स ऑफ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस तरीके से आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, उसके बाद देखना होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, और अगर सही है तो क्या रीज़न में जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आप लिखेंगे ऑप्शन उस हिसाब से। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि असर्शन में स्टेटमेंट दिया है कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है लेकिन फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। तो ये हो गया असर्शन स्टेटमेंट। और रीजन का स्टेटमेंट है कि एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एनर्जी रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों स्टेटमेंट्स की, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। तो बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट, और जो रीजन दिया गया है ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर, जहाँ पे कि असर्शन का स्टेटमेंट है कि इन वुडी प्लांट गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू लेंटिसल्स। वुडी प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लेंटिकल्स से भी होता है। तो लेंटिकल्स वुडी स्टेम में जो प्लांट रहते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, ये बोला जा रहा है आपका असर्शन स्टेटमेंट में। और रीजन में ये बोला जा रहा है कि जो लेंटिकल्स हैं आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड अलोंग विद स्टोमाटा ऑन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट। इसमें रीजन में ये बोला जा रहा है कि लेंटिकल्स स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि स्टोमाटा के साथ मतलब फाउंड होते हैं या रहते हैं वुडी स्टेम्स प्लांट्स के स्टेम में। तो ये रीज़न जो है वो गलत है, क्योंकि स्टोमाटा के साथ ये नहीं रहते हैं, स्टोमाटा के साथ ये फाउंड नहीं होते, स्टोमाटा अलग जगह पे रहता है लीव्स में, और आपका जो लेंटिकल्स हैं वो आपके रहते हैं स्टेम, वुडी प्लांट्स के स्टेम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ पे कि असर्शन इज ट्रू है लेकिन जो रीज़न है उसका फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो इसी तरीके से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और उम्मीद है आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।